जय श्री राम। उल्लू है उसको पता ही नहीं, वो जीवन में पैदा ही नहीं हुआ। 500 उसकी तो कुटाई होनी चाहिए ऐसे नेताओं की जो गलत भाषण देते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। देखिए 22 जनवरी ये वो दिन है जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और इसे लेकर देखिए अयोध्या के अंदर जो तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। और इसी बीच देखिए जो बहुत सारे जो नेता हैं उनका ये भी कहना है कि हमें जो बुलावा तो आया है, और कुछ का ये भी कहना है कि हमें बुलावा नहीं आया है। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे लेकर आज हम यहाँ के लोगों से बातचीत करने वाले हैं। 22 जनवरी को सर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, हम हिंदुओं के लिए इससे बढ़िया क्षण हो नहीं सकता। राम किसके हैं? राम तो मैं यही कहूँगा सबके हैं, हिंदुओं के सब सब एक हो जाए हिंदू। तो हिंदू के कुछ नेता देखिए राम मंदिर का बनने तक का विरोध कर रहे हैं। हम क्या बोलें, वो पढ़े लिखे का मैं उल्टी थी बकवासबाजियाँ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारी मतलब कितने सालों से ये हो रही थी, मतलब इंतज़ार कर रहे थे राम मंदिर बनना चाहिए, तो आखिर हमारा राम मंदिर बन ही रहा है। बिल्कुल गलत बात है, हमने ना ऐसा कहीं पढ़ा है ना सुना है, हमारे ग्रंथों में हमने श्री राम के बारे में ये भ्रम फैलाया जा रहा है, गलत बातें कर रहे हैं। रोटियां सेक रहे हैं ये लोग, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या हम लोग जानते नहीं क्या हमारे पूर्वजों ने क्या है? अच्छा, राम मंदिर के बनने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? बीजेपी का 100% बीजेपी का। बिल्कुल बीजेपी का है। सहमत है इस बात? सहमत है आप लोग, सब सहमत है। ठीक है, आपको क्या लगता था कि कोई और सरकार राम मंदिर बनवा सकती थी? नहीं, कांग्रेस आगे लेके जा रही थी, और कोई सरकार है नहीं आज की करंट सिचुएशन में, बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। जी कहना क्या है, काफ़ी अच्छा बन रहा है और काफ़ी सुंदर बन रहा है, वर्ल्ड में नाम हो रहा है इसका। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन कई जो ऐसे नेता हैं विपक्ष के उनका कहना कि हमें तो बुलाया नहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, तो हम नहीं जाएंगे। तो जो नहीं जाना चाहता वो ना जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दरबार तो खुला हुआ है माता रानी का, भगवान का, सबका खुला हुआ है। वो जिस जो दिल से मानता है वो जाएगा, जो नहीं मानता वो अपने घर में रहेगा। उन्होंने कब देखा अपनी आंखों से? वो तो कह रहे थे। वो अब मैं कहूँ कि भाई ये NSP का राजा मैं हूँ, तुम मान लोगे? तो ऐसे ही दुनिया कुछ भी बोल लेगी सब मान लेंगे, ऐसा नहीं होता सर। बहुत सारे से आंखों से देखो जब जवाब दो। उन्होंने धर्म चेंज किया है, सभ्यता चेंज नहीं की। शबनम की जो पहले पेरेंट्स थे वो राम से जुड़े थे। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे गणेश जी की फोटो साथ करेंसी चल रही है, वो कहते हैं हमने अपना धर्म चेंज किया था, अपनी सभ्यता चेंज नहीं की थी। हमारे पूर्वज तब भी वो थे, हमारे देवता आज भी वो हैं। बहुत सारे मुस्लिम कंट्री जहाँ पे मतलब इंडियन जो क्या नाम अपने गणेश जी करेंसी चलती है, तुर्की शायद कोई ऐसे बहुत, इंडोनेशिया वगैरह है, तो पूरे मुस्लिम कंट्री फिर भी वहाँ सब कुछ होता है। इंडोनेशिया का नाम आपने लिया तो मुझे मालदीव का नाम याद आ गया, मालदीव के मंत्री थे अभी प्रधानमंत्री मोदी की, देखिए बुराई कर दी है। एक्चुअली क्या होता है, हर बार सरकार चेंज होती है, तो वहाँ की अभी जो सरकार वो चाइना गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस है, उन्होंने उनको फंड नहीं कर रखी है तो उनकी भाषा बोलेगी। अगर आप किसी को अपने बच्चे को अपनी कुर्सी बिठाओगे तो आपकी भाषा तो बोलेगा। विरोध कर दिए थे? हाँ विरोध कर दिया था, उनको सस्पेंड कर दिया गया था मालदीव के 3 नेताओं को। वो कहते हैं कि राम मंदिर, राम जी तो मांस खाते थे। उल्लू है उसको पता ही नहीं, वो जीवन में पैदा ही नहीं हुआ, 500 कितने साल पुराने हैं। गंदमूल खाते थे गंदमूल, और जिसको वो मांस बता रहा है उसकी तो कुटाई होनी चाहिए ऐसे नेताओं की जो गलत भाषण देते हैं। भाई जी देखो राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, ये योगी और मोदी इनका योगदान ज़्यादा है। उनका अलावा आपको क्या लगता है, और जो कौन से जो पार्टी है उनका भी योगदान है राम मंदिर के बनने में? और किसी का योगदान नहीं है, खाली एक बीजेपी का योगदान है। बहुत खुशी की बात है, और हमारे हिंदू परिवार के लिए और इससे बड़ी खुशी की बात है कुछ नहीं है। और मैं बताने चाहूँगा केवल हिंदू परिवार नहीं, सारे धर्म का लोग इसमें सहयोग करने चाहिए। और मेरे मुझे एक लड़की का नाम याद आ रहा है, अभी सोशल मीडिया पर देखिए वो खूब वायरल भी हो रही है, नाम है शबनम, ये मुस्लिम लड़की है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर देखिए वायरल हो रही है। वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि वो मुस्लिम होते हुए भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए वो जा रही है। मुस्लिम लड़की है लेकिन वो फिर भी जा रही है। बहुत खुशी की बात है, इसमें क्या होता है रिश्ता बढ़ता है, और कोई भी धर्म का हो, जब कोई धर्म स्थान होता है सभी को सहयोग करने चाहिए। देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, और इसी लेकर हम यहाँ पर देखिए जो तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत किए, और तमाम जो लोगों ने अपनी अपनी राय दी, प्रतिक्रिया दी, कुछ अच्छी थी कुछ बुरी थी, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने धन्यवाद किया है, वर्तमान की बीजेपी सरकार का उन्होंने धन्यवाद किया है,
और राम मंदिर कहते हैं कि राम सबके हैं, उनका उन लोगों का ये कहना है। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं थी जो आपने देखा और आपने सुना, तो कैसी लगी तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पंजाब केसरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।